उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। हरिकेश मीणा ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर ग्रेकर एकत्रीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रेकर निर्धारण एवं कर संग्रहण के लिए बाढ़ में पायलट आधार पर अभियान चलाया जाए। नगर परिषद संबंधित बाढ़ में जारी कुल विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति कनेक्शन के आधार पर डाटा एकत्र करें। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। हरिकेश मीणा ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर ग्रेकर एकत्रीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रेकर निर्धारण एवं कर संग्रहण के लिए बाढ़ में पायलट आधार पर अभियान चलाया जाए। नगर परिषद संबंधित बाढ़ में जारी कुल विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति कनेक्शन के आधार पर डाटा एकत्र करे। उन्होंने कहा कि इन उपायों से नगर परिषद की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी, जिसका उपयोग शहर के विभिन्न विकास कार्यों में किया जा सकता है। उन्होंने नगर परिषद से घर घर से कूड़ा एकत्र करने की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक मात्रा में कूड़ा उत्पादित करने वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों की निरंतर निगरानी करें और उनसे निर्धारित शुल्क ग्रहण करना भी सुनिश्चित करें। इस कार्य में एकरूपता लाते हुए चूक करने वालों पर जुर्माना भी किया जाए। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पंचायतों में स्वच्छता की और विशेष ध्यान दिया जाए। घर घर से कूड़ा उठाने और सूखा व गीला कचरा अलग अलग निस्तारित करने के लिए तय सीमा में कार्य प्रारंभ करें। पेट्रोल पंपों पर शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डे के सामने से खूंखे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और निर्धारित समय अवधि में अनुबंध इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। साथ ही नए स्थान पर विद्युत पेयजल आपूर्ति इत्यादि की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। उन्होंने खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा। खनन विभाग की ओर से बताया गया कि बीते सप्ताह में 5 मामलों में अवैध खनन के चालान किए गए। बैठक में सैनिक कल्याण विश्राम गृह रैन बसेरा की व्यवस्था में सुधार लाने सहित शिक्षा स्वास्थ्य कृषि वन व अन्य विभागों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने जनगणना 2021 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के भी निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम सहित अन्य प्रशासनिक व विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। आप कितनी देर में आप कर पाते हो बोरी के अलावा कोई ऑल्टरनेट ऐसा मिल जाता है जिसमें आप उसमें वेट नहीं रहेगा कंटेनर में या बर्तन में और आप